साथ में जाना है। परवेज़ मलिक साहब, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब एक पेज पर हैं या नहीं, हाँ या ना? धरने के हवाले से जो इंडिविजुअली जो फैसला है वो तो इस वक्त वन पेज नहीं है, मगर जो फैसला ऊपर से आ जाएगा वो मोस्ट लाइक हर सूरत एक ही पेज पे होगा। और ऊपर से फैसले का क्या मतलब? मतलब ऊपर से मतलब जो हमारी सुप्रीम बॉडी है जी मियां मियां साहब, मलिक साहब कहा कि वीटो पावर नवाज शरीफ साहब के पास है। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब से ऊपर कौन सी सुप्रीम पार्टी है सर? ऊपर भी तो नवाज शरीफ साहब, मुझे ऐसा लगता है जैसे पार्टी कंफ्यूज है, आप भी अभी तक खासे कंफ्यूज है, हालांकि आपको पता है कि जो फैसला है। नहीं नहीं, मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, मैं काफी इसमें इन्वॉल्व था, तो जो है यही फाइनल हमारा फैसला यही है कि जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हुक्म दे देंगे तो वो बिल्कुल वही होगा। बताएं मलिक साहब, आप लाहौर के प्रेसिडेंट रहे हैं साल से, अगर नवाज शरीफ साहब हुक्म दे देंगे तो लाहौर किस हद तक जाएगा इस्लामाबाद? सर लाहौर इंशाल्लाह पूरा तैयार, इस वजह से भी है कि ये आपके सामने जो उनका हाल हो गया है, जो आपकी महंगाई का हाल है, जो आपकी लेबर का हाल है, नौकरियों का मसला है, जो अस्पतालों में दवाई नहीं है, ये मतलब आप लंबी एक लाइन है। चलिए जी, ये नहीं, आपकी बातों से ये लग रहा है कि एक हिस्ट्री रिपीट होगी जो हमने 2014 में देखा, अब हम 2019 में भी वही देखेंगे और वही सर्दियों का मौसम है। अगर साहब सर्दियां जो हैं वो आ रही हैं और तब भी यही सीजन था। परवेज़ मलिक साहब, लाहौर आपको देख रहा है और 10 सीटें देने वाला लाहौर आपको देख रहा है, एक आखिरी पैगाम दीजिएगा लाहौरियों को। देखिए जी, लाहौर वाले बड़े खुले दिल के लोग हैं, बड़ी मशक्कत मेहनत करने वाले, लोगों से प्यार लीडरों से करने वाला शहर है, बिल्कुल एक बहुत पॉजिटिव सोच रखने वाला शहर। उन्होंने हमेशा आपके सामने मार्च, जब मुशर्रफ की बात थी उस वक्त भी इलेक्शन में हम गए, वहां भी उन्होंने हमें वोट दिए और मामला किए, तो लाहौर को जो वोटिंग मैं समझता हूँ उनकी जो सोच है वो नवाज शरीफ के अलावा किसी की नहीं है, मियाँ साहब की, मियाँ साहब की जात की बहुत ज्यादा इसमें सोच में शामिल है। ठीक है, परवेज़ मलिक साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून सीनियर रहनुमा हमारे साथ।